नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के शो का टाइटल है प्राइड टेक्स अ फॉल। प्राइड यानी होता है गर्व या फिर घमंड, टेक्स ले जाती है, फॉल यानी पतन की ओर, यानी जो अभिमान होता है, गर्व होता है, पतन की ओर ले जाती है, गिरा देती है। अब ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छी मोरल आपको यहाँ मिलने वाली है और बहुत ही डिटेल में हम यहाँ पे ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं, जिससे आपको रीडिंग सीखने को मिलता है, ग्रामर सीखने को मिलता है, वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन आपको सीखने को मिलता है, वर्ब्स के फॉर्म आपको सीखने को मिलते हैं, टेंसेस आपको सीखने को मिलते हैं और बहुत सारी ग्रामेटिकल पोर्शन यहाँ पे कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, On a roadside stood a tall and big banyan tree. On यानि पर, a यानि एक, roadside सड़क के किनारे, stood खड़े थे, खड़ा था, a tall एक ऊंचा, tall यानि होता है ऊंचा, and big और बड़ा, banyan tree यानी कहता है बरगद के पेड़ को, वट वृक्ष से कहते हैं, तो बरगद का पेड़ आप सभी को पता है बहुत बड़ा जो रहता है, वो क्या था, सड़क के किनारे खड़ा था, बहुत ही ऊंचा लंबा। It was a home to many squirrels and bird. It was, वो था, it यानी ये भी होता है वो भी होता है, was है तो वो यूज होगा, वो था, a home एक घर था, to किसका घर था, तो हम to preposition को यूज करेंगे, many बहुत से squirrels है ना गिलहरियों का, and birds और पक्षियों का, यानी बहुत से गिलहरियों और चिड़ियों का पक्षियों का वो घर था, वो banyan tree। Just by its side stood the green leafy mango tree. Just ठीक है ना, by its side मतलब होता है उसके किनारे, by its side ठीक उसके किनारे, stood यानी खड़ा था, the green यानी हरा, leafy यानी पत्तेदार, यानी हरा भरा बोल सकते, हरे पत्तों वाला हरा भरा mango tree आम का वृक्ष खड़ा था। देखिए banyan tree है तो उसके सामने ये आम का पेड़ खड़ा था। It bore sweet juicy mangoes. It यानी उसमें, बोर यानी लदे थे, इसे बोर कहते हैं, लदना, स्वीट मीठे, juicy रसदार, mangoes आम, उसमें रसीले मीठे आम लदे हुए थे। Many people would rest under the shady tree. Many people यानी बहुत से लोग would किया करते थे, तो हम वुड का यूज करते हैं, किया करते थे, क्या क्या, रेस्ट यानी आराम किया करते थे, अंडर यानी नीचे, द शेडी यानी छायादार ट्री पेड़, तो ये छायादार पेड़ था ना जो आम का, तो उसके नीचे आराम किया करते थे, एंड एंजॉय इट्स स्वीट फ्रूट्स टू, और एंजॉय यानी मजे लेते थे, इट्स यानी उसके, स्वीट यानी मीठे, फ्रूट्स यानी फलों को, टू यानी भी, और मीठे फलों का आनंद भी लेते थे, तो रेस्ट भी करते थे और बढ़िया रसदार आम को खाते भी थे। No one ever paid much attention to the old banyan tree. No one यानि कोई भी नहीं, ever यानि कभी भी, बिल्कुल भी, हमेशा, उसे ever कहते हैं, कोई भी नहीं paid much attention, इसका मतलब क्या होता है, यानि कि ध्यान देना, तो no यानि कोई भी नहीं, कोई भी ध्यान नहीं देता था, attention यानि होता है ध्यान देना, तो कोई भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता था to the old यानि उस पुराने या बूढ़े बरगद के पेड़ को, सबको आम ही पसंद, आम के नीचे ही, पेड़ के नीचे आराम करते थे, फल खाते थे, उस बरगद के पेड़ को उतना ध्यान नहीं देते थे। द मैंगो ट्री हैड ग्रोन प्राउड ऑफ इट्स अपीयरेंस। द मैंगो ट्री यानी आम के पेड़ को, हैड ग्रोन प्राउड यानी उसे क्या हो गया था, घमंड आ गया था उसे, ऑफ यानी का, इट्स यानी उसके, अपीयरेंस यानी अपने रूप पर बड़ा गर्व हो गया था उसे, बहुत गर्व हो गया था, अपीयरेंस आता है उसका जो बनावट होता है, रूप होता है, उसे अपीयरेंस कहते हैं, प्राउड यानी घमंड, गर्व, तो बहुत ज़्यादा गर्व हो उसे। वन डे इट सेड टू द बैनियन ट्री, एक दिन उसने कहा, टू किसे कहा, कहा गया, टू प्रीपोजिशन यूज होता है, द बैनियन ट्री बरगद के पेड़ से कहा, सी देखो हाउ इम्पॉर्टेंट आई एम, हाउ यानी कितना, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, आई एम मैं हूँ, देखो मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ, कितना स्पेशल हूँ, एवरीवन आईज मी विथ ग्रीडी लुक्स, एवरीवन हर किसी का आईज यानी आंखें, मी यानी मुझ पर, विथ यानी साथ में, ग्रीडी यानी लालच के साथ, लुक्स यानी होता है देखना, यानी सभी की, सब मेरी ओर लालच के साथ देखते हैं, लालच भरी निगाहों से देखते हैं, पीपल लाइक माई टेस्टी फ्रूट्स, लोग लाइक यानी पसंद करते हैं
माई यानी मेरे, टेस्टी यानी होता है स्वादिष्ट फ्रूट्स यानी फलों को, तो लोग मेरे स्वादिष्ट फलों को पसंद करते हैं। नो वन आस्क्स, आस्क्स फिर एक बार एस बोलेंगे ठीक है, कोई भी नहीं आस्क्स यानी पूछता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ता है थी है, तो एस या यस लगाते हैं वर्ब के साथ। फॉर यू, तुम्हें कोई भी नहीं पूछता, बिकॉज क्योंकि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, कोई भी तुम्हारे बारे नहीं पूछ रहा, सब मेरे बारे में पूछते हैं, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। डोंट फील सो प्राउड, डोंट फील यानी महसूस मत करो, ऐसे मत सोचो, सो प्राउड यानी बहुत ज़्यादा अभिमान है ना, गर्व महसूस मत करो, बहुत ज़्यादा घमंड महसूस मत करो। द बैनियन ट्री सेड, बरगद के पेड़ ने कहा, यहीं पे सेस होता तो कहता है, से सेड है ना, तो आपको पता वर्ब का सेकंड फॉर्म सेड होता है, तो पेड़ ने कहा भाई गर्व मत करो। इट्स जस्ट द लॉ ऑफ नेचर, ये है जस्ट सिर्फ द लॉ यानी नियम है ऑफ नेचर प्रकृति, ये सिर्फ प्रकृति का नियम है। एवरी ट्री हैज इट्स ओन प्लेस इन नेचर, एवरी ट्री यानी हर एक पेड़, हैज यानी है, हर एक पेड़ का है, इट्स यानी उसका, ओन यानी खुद का, प्लेस यानी जगह इन नेचर यानी प्रकृति में, हर एक वृक्ष का अपना एक जगह है, अपनी एक जगह है नेचर में प्रकृति में, सबका अलग अलग यूज है, सबका अलग अलग महत्व है, सबका अलग अलग प्लेस है, तो घमंड मत करो, मेरा अलग यूज है, तुम्हारा अलग यूज है, नीम का पेड़ का अलग, समझा रहा है बट पता है इसको घमंड आ गया, उसको कुछ समझ ही नहीं आता। नेक्स्ट डे द किंग्स सोल्जर्स केम, अगले दिन द किंग्स राजा का, या अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाना, काकी के राजा के सोल्जर्स सैनिक है ना, केम आए, कम केम कम, सेकेंड फॉर्म का यूज करके आए, आता है तो कम्स हो जाता ठीक है, तो उसके सैनिक आए एंड पिक्ड ऑल द मैंगोस, और पिक्ड यानी उठाया, उठा लिया, ऑल यानी सभी, द मैंगोस सभी आम को उठा लिया, तोड़ लिया, बहुत सरमद होता है, ऑफ द मैंगो ट्री, ऑफ यानी का या फिर से, आम के पेड़ से सभी, देखिए मैंगो को उसने तोड़ लिया, निकाल लिया। दे पिक्ड देम सो रफली, दे यानी उन्होंने, पिक्ड यानी वही उखाड़ा लिया, देम यानी उन्हें, सो रफली, रफली यानी होता है बहुत ही एकदम रफ तरीके से, बहुत ही बेकार तरीके से, भद्दे तरीके से, एकदम बोलते हैं ना एकदम प्यार से नहीं, खींच तान के फाड़ वाड़ कर रफली बोलते हैं, बहुत बुरी तरीके से उसने तोड़ा आम के, आम को। दैट की दे ब्रोक मेनी ब्रांचेस, दे ब्रोक उन्होंने तोड़ दिया, ब्रेक तोड़ता है, ब्रोक तोड़ा, उन्होंने तोड़ा मेनी ब्रांचेस, बहुत सारे शाखाओं को, पेड़ के जो और भी डंडी ने निकला ना शाखा, उसे तोड़ दिया आराम से, उससे क्या बहुत सारा फल एक साथ टूट जाता है, तोड़ दिया बहुत सारा। एंड लीव्स टू, और पत्तों को भी, टू यानी भी, और टू यानी भी, लीव्स यानी होता है पत्तियाँ, लीफ एक पत्ती और प्लूरल में लीव्स हो जाता है, तो एफ हट के यहाँ पे आप देख रहे हैं वी एस हो गया, पत्तियों को भी तोड़ दिया। आफ्टर दे लेफ्ट, उनके जाने के बाद, आफ्टर के बाद, दे यानी उनके, लेफ्ट यानी, लेफ्ट यानी बायां भी होता है, लेफ्ट यानी जगह को, छोड़ने को भी लेफ्ट बोलते हैं, जाने को भी लेफ्ट, ऐसे यूज करते हैं। उनके जाने के बाद द मैंगो ट्री लुक्ड अगली, आम का पेड़ लुक्ड यानी वो दिखा, कैसे दिखा, अगली, बहुत ही अगली दिख रहा था, बसूरत दिख रहा था। एंड वॉज इन पेन, और दर्द में था, वॉज था इन यानी में, पेन यानी दर्द, और दर्द में था। द बैनियन ट्री सेड, बरगद के पेड़ ने कहा, सी देखो, हाउ योर प्राउड ब्यूटी हैज रुइंड यू। अब यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग देखते हैं, तो हम इसे रुइंड, ऐसा रुइंड पढ़ते हैं, रुइंड का मतलब क्या होता है, मतलब पूरा तहस नहस कर देना, तबाह कर देना ठीक है। तो देखो कैसे तुम्हारे जो घमंड था सुंदरता का, ब्यूटी का, हैज रुइंड, तबाह हो गया यू यानी है ना तुम्हारी, यू यानी तुमने, तुमने है ना यू यानी तुम्हें तबाह कर दिया। वाइल जबकि आई एम स्टैंडिंग हियर सेफ एंड साउंड, आई एम मैं स्टैंडिंग खड़ा हूँ है ना, हियर यहाँ, सेफ एंड साउंड यानी सुरक्षित, मैं यहाँ सुरक्षित तरीके से खड़ा हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन देखो तुम्हें जिस ब्यूटी का घमंड था वो तो आज बर्बाद हो गया, पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, तुम्हारा भी यूज़ है, मेरा भी यूज़ है, नीम का पेड़ का भी है, करेले का भी यूज़ है, तो भाई हर एक
चीज है, हर एक जीव जंतु है, जो भी भगवान ने बनाया, सबका अलग अलग प्रकृति में स्थान है, सबका अलग अलग यूज़ है। किसी को आप ज़्यादा अच्छा बुरा इस प्रकार घमंड नहीं होना चाहिए। आप भी इंसान हैं, बहुत से इंसानों में भी इस प्रकार घमंड होते हैं कि अमीर हूँ, सुंदर हूँ, लेकिन ज़्यादा दिन तक आपकी ना अमीरी टिकने वाली है, ना ही आपकी सुंदरता टिकने वाली है। कभी भी कुछ भी खत्म हो सकता है, इसलिए जो है उसमें खुश रखिए, खुश रहिए। सुंदर हो तो भी अच्छी बात, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए आपको कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस आम के पेड़ की ऐसे हालत होने वाली है। तो ये थी एक शॉर्ट स्टोरी, थोड़ी पसंद है प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कल मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा स्टोरी से हट के बनाऊँगा, स्टोरी जी ने पसंद की स्टोरी तो लाऊँगा ही, फिर भी कल मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि ग्रामर वगैरह लेके आता हूँ, ग्रामर के रूल्स वगैरह, ताकि ग्रामर के रूल भी आप सीखिए। केवल पास्ट का ट्रांसलेशन ये तो है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रैक्टिस करनी है। आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर कल तैयार रहेंगे। आज ये आपको कैसे लगी स्टोरी, समझाने का तरीका पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करेंगे, नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।